अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ राशिद लतीफ, हमारे गुरु हैं और इनके बारे में यही कहा जाता है कि हर चीज़ की प्रैक्टिकल जांच पड़ताल करके एंड में पॉजिटिव का भी नेगेटिव निकलता है। नहीं, ऐसे ऐसे कह रहा हूँ भाई, नाराज ना हो। पाकिस्तान सुपर लीग जी शुरू होने जा रही है और 20 तारीख से धमाका खेज आगाज़ हो जाएगा, जहाँ पे 14 मैचेस लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे और 9 मैचेस कराची के नेशनल स्टेडियम। ग्राउंड बड़ा लश पश लग रहा है, कॉस्मेटिकली हमने बड़ा खूबसूरत कर दिया फॉर ब्रॉडकास्टर्स। और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 8 मैचेस मजबूत तौर पे खेले जाएंगे, 34 ये मैच और 21 और 22 मार्च इम्पोर्टेंट होगी, 22 मार्च। और देखना ये है जी कि पहली मरतबा पाकिस्तान में कम्प्लीट पाकिस्तान सुपर लीग का इनकार हो रहा है। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान का प्रीमियर डोमेस्टिक कंपटीशन आप कह सकते हैं, पाकिस्तान का आप सोशल इंट्रोडक्शन कह सकते हैं इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। और राशिद लतीफ ने मुझे कहा था कि पॉजिटिव रहना है, लेकिन मैं जब प्लेयर्स की प्रोफाइल देख रहा था और लिस्ट देख रहा था तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग डिटीरियोरेट ही करती चली गई है। फिर नेगेटिव शुरू हो 2016 से जो शुरू हुई थी, इंट्रो हमारे जैसे होते ही बिल्ट ही नहीं है नेगेटिव। इसका फाइनेंशियल मॉडल कितना सस्टेनेबल है और कितने टॉप फॉरेन प्लेयर्स इस लीग का हिस्सा बन रहे हैं। राशिदीप, आज बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, चैंपियन द चैंपियन टीम। ये कराची की टीम है या क्वेटा की? अब उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब आप इनके प्रोफाइल में जाए तो वो कहते हैं कि भाई हमारा होम ग्राउंड बुकटी स्टेडियम क्वेटा है। एक आधी दफ़ा क्वेटा चले जाते हैं, रूड प्लेयर क्वेटा का नहीं इनकी टीम में। बेसिकली कराची की टीम $11 मिलियन की उमर एसोसिएट्स के नदीम उमर ने 2015 में ये खरीदी थी जी। और 2016 और 2017 का क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने फाइनल खेला था और पहला जो टूर्नामेंट था पीएसएल, उसमें 290 रन अहमद शहजाद के और मोहम्मद नवाज की 13 विकटें, और वो आज तक स्टार प्लेयर्स हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के। और 2018 में जरा इनके साथ कोई इतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन 2019 के चैंपियन, रिटेनिंग चैंपियन। एक कमाल चीज है इसमें दोनों के में बताएं, मोहम्मद नवाज इमर्जिंग में आए थे और आज प्लेटिनियम में। हाँ जी, वो प्लेटिनियम में आए थे और आज इमर्जिंग में नहीं एमएच आजाद, लेकिन वो सिल्वर में तो नहीं पहुंचे अभी तक, गोल्ड में। सिल्वर में लास्ट टाइम शायद उठाया था मुल्तान ने ना, अब गोल्ड में है शायद। गोल्ड में है, गोल्ड। अच्छा जी, और जहां तक राशिद आए ना, अब जरा आगाज करते हैं, पहले तो मैनेजमेंट पे चलते हैं जी। नदीम उमर ऑब्वियस इनके कर्ता धरता जी जी, और बड़े महीन और बड़े शरीफ इंसान, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान क्लब, उमर एसोसिएट्स की टीम, हॉकी को भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, लेकिन उतने सीधे हैं नहीं जितने लगते हैं। नहीं, बहुत सीधे हैं आप, बहुत सीधे सीधे हैं नहीं जितने लगते हैं जी, मेरे पर्सनल दोस्त हैं, शरीफ इंसान। उसके बाद आ जाएं जी आजम खान। आजम खान की बहुत मेहनत है, आजम खान की मेहनत बहुत है, लेकिन वो मैनेजर डिजर्व नहीं करते थे फ्रेंचाइज के टॉप ब्रांड का। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, जो उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड है उस पर कहीं नहीं करते थे, लेकिन ग्रास रूट्स पे और उमर एसोसिएट्स की लॉयल्टी पे उनका अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं आपको बिजनेस में, कि जो आपके करीबी लोग होते हैं और आपको जिस पे एतमाद होता है, ट्रस्ट होता है, उनको आप बनाते हैं। फिर ये मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि क्वेटा ग्लैडिएटर नदीम उमर की है या मोइन खान की है। मोइन खान इनके पहले फ्रेंचाइज से ही, पहले ही सीजन से ही मोइन इनके हेड कोच हैं। हेड कोच हैं इनके। अच्छा, लेकिन सक्सेसफुल हेड कोच बिल्कुल है। 4 में से 3 आप फाइनल खेले हुए जी जी। उसके बाद आए जी आप एसोसिएट कोच तो हमारे रजी भाई हैं, अब्दुल रजाक साहब। रजाक है, लेकिन जो इम्पैक्ट इनके मेंटोर का है सर विवियन रिचर्ड्स का, विव रिचर्ड्स, अनप्रेसिडेंटेड। उसके बाद हम आते हैं जी नबील हाशमी, जो इनके मीडिया को भी देखते हैं। यार काम कब से कर रहे हो आप लोग, कमाल है। नहीं, मीडिया पे कब से काम कर रहे हैं आप, बड़ा अच्छा हो गया। सरफराज अहमद को छोड़ के नबील पे आ गए। नहीं नहीं, सरफराज अहमद इनकी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है ना, कप्तान है यार, वो आगे प्लेयर पे करोगे ना, छेड़ा यार, छेड़ा नेगेटिव। अब आते हैं प्लेयर्स पे राशिद लतीफ साहब। हां, सरफराज अहमद प्लेयर पे नहीं आएंगे अभी। देखिए, ये एक ही टीम है जिनके पास जो हेड कोच है, कोच है या मेंटोर है या कैप्टन है, चेंज नहीं हुआ एक भी। कंसिस्टेंसी नजर आई। यस, मैनेजर भी चेंज नहीं हुआ। घर की टीम है, घर की टीम है, मैनेजर भी चेंज नहीं हुआ, वो नजर आती है बॉक्सेस में पूरी फैमिली बैठी होती है। फैमिली टीम है, फैमिली टीम है जब भी ये चैंपियन बनते हैं। और इनका बहुत अच्छा माहौल है जी जी, इट इज लवली टू बी विद देम इन देयर ड्रेसिंग रूम। और हमारी जो भाभी हैं वो भी बड़ा मेन किरदार अदा करती हैं, नदीम भाई की मिसेस। अच्छा, बहुत मेन किरदार अदा करती हैं, वो बाइंड करके रखती हैं, और इनके साथ बस में ट्रेवल करना भी एक नया एक्सपीरियंस। अच्छा, अब आते हैं जी प्लेयर्स पे राशिद भाई जी। सरफराज अहमद,
ये याद रखिएगा कि पहला सीजन है जब वो पाकिस्तान टीम से बाहर होके कप्तानी से हटके तो वो क्वेटा ग्लैडिएटर की कप्तानी कर रहे होंगे। पहले सीजन में भी कप्तान नहीं थे पाकिस्तान के, हाँ कप्तान नहीं थे लेकिन खेल तो रहे थे, खेल रहे थे, तो अब खेल भी नहीं रहे ना, तो क्या ये इनको इम्पेक्ट करेगा या ज्यादा गुस्से में बेहतर मजीद बेहतर परफॉर्मेंस? मेरा भी यही ख्याल है कि सरफराज में ये एबिलिटी T20 जैसे खैर उसमें तो जगह बनती है, जैसे आप भी कहते हैं T20 में जगह बनती है। ठीक है, टेस्ट मैच अभी इतने टफ आए नहीं और वनडे भी इतने अभी खेले नहीं उसके बाद से, तो उसमें आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन T20 में नज़र आ गया कि सरफराज की जगह है। और मेरा ख्याल है कि सरफराज की जगह है, आप समझ नहीं रहे, समझिए जाएंगे वर्ल्ड कप में, मेरी प्रेडिक्शन है जी। आगे चलते हैं जी। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि नबील भाई वन ऑफ द बेटर टीम्स पिक करते हैं और इनकी जो भी मैनेजमेंट है, लेकिन इसमें अगर आप देखें नज़र दौड़ाएं तो इसमें आपको अहमद शहजाद नज़र आएंगे, खुर्रम मंजूर नज़र आएंगे, जेसन रॉय नज़र आएंगे, इवन शेन वॉटसन, तो इन्होंने किसको ओपन कराना है और किसको नहीं कराना? देखो इनको जो कराना है ना, जेसन रॉय और एहसान अली भी हैं, पांच हो गए ना, वॉटसन होंगे और बीच में एहसान अली खेलेंगे। अब खुर्रम मंजूर तो एज ए स्टैंड बाय, तो अहमद शहजाद और खुर्रम मंजूर का है? नहीं, खुर्रम मंजूर तो इन्होंने वो उठाया है ना, अच्छा चले क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री उठाया, तो इनकी टीम तो पहले लास्ट टाइम भी तकरीबन ये थी, जेसन रॉय आए हैं तो यहाँ पे बीच में खेलना पड़ेगा अहमद शहजाद को, वन डाउन खेलना पड़ेगा या नीचे नंबर पे या जगह नहीं बनेगी। अच्छा, बेन कटिंग किधर खेलेंगे? बीच में खेलेंगे। अच्छा, अब अगर हम बाकी टीम को देख लें, बेन कटिंग आपको नजर आएंगे इसमें, फिर इसमें आपको नजर आएंगे अपना सरफराज अहमद, सरफराज है, उमर अकमल, अच्छा फिर उमर अकमल आपको नजर आएंगे, देन वो मोहम्मद नवाज, नवाज है, ठीक है। अब आए आप, इनकी फास्ट बॉलिंग तगड़ी मुझे लगी, टाइमल मिल्स को अगर मैं साइड पे भी रखूं, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, यहाँ दो तगड़े बॉलर हैं, तगड़े सोहेल खान, सोहेल भी सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंटरी लेकिन सोहेल खान है तो सही, T20 का मतलब अच्छा बॉलर है वो, और साथ में इनके पास आरिश अली खान, और उसके बाद इन्होंने कीमो पॉल की जगह 7 मार्च तक रखा हुआ है, 7 मार्च ने रिप्लेसमेंट ले लिया, रिप्लेसमेंट ले लिया, अब जायद महमूद है, जायद महमूद है। अच्छा, मुझे ये भी नहीं समझ आई, दो लेग ब्रेक बॉलर जिन्होंने क्या करने हैं, वो रिप्लेसमेंट है, ये है कि अगर कोई इंजरी आ जाए तो शायद फवाद को कुछ हो जाए तो ये खेलते, फिर फवाद अहमद आ गए, उसके बाद इन्होंने अब्दुल नासिर भी लिए हैं, आरिश अली खान ऑफिस स्पिनर है, ये बलूचिस्तान के हैं, ये ऑफिस स्पिनर है, एक बलूचिस्तान का हो गया जी, बड़ी बात है। और फिर सर प्राइड ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स आजम खान भी हैं, आजम खान, और आजम खान के बारे में खबरें ये आई हैं कि उन्होंने ठीक ठाक वेट लूज किया, टैलेंट उनमें है, सो वी शुड नॉट कोरिलेट के जी वो मोइन खान, मिडिल इनके पास और भी मिडिल में प्लेयर होंगे, और याद है कुछ नहीं सर, मैं अभी बंद हो गया लग रहा है, चलें फिर आप कर लें बात, नहीं ठीक है आप कर लें, आप याद करके विकिपीडिया देख के आए होंगे ना, देखें बताया ज़रा, मैं विकिपीडिया नहीं देखता भाई, मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ। अच्छा, उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कहाँ से ढूंढनी है, और आपने यही नाम है बैटिंग में, अच्छा हाँ अब आप बोलें, बताया ना यही नाम है जी, बोल दिए मैंने सर, 18 प्लेयर बताए, मुझे 18 प्लेयर बताते हैं आपको, सरफराज अहमद, एहसान अली, उसके बाद अहमद शहजाद, उसके बाद खुर्रम मंजूर, उसके बाद बेन कटिंग, उमर अकमल, फिर आगे आपके अपना नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, सुहेल खान, फवाद अहमद, अब्दुल नासिर, आजम खान, आरिश अली खान, ठीक है, शेन वॉटसन, और जी टाइमल मिल्स, जाहिद महमूद, तो कर दिए यार, और कितने हुए, ये 17 हो गए, एक एक की माफी है, एक आप ऐड कर लें नहीं, एक अच्छा प्लेयर मिसिंग है, तो क्या समझते हैं इनकी अच्छा प्लेयर कौन मिसिंग, एक मिसिंग होगा ना कोई ना कोई, इतनी सी जानकारी हो गई हमें भी, अच्छा। एक मिस कर गए रास्ते में, अब मिस कर गए, अच्छा। ये बताएं कि क्वेटा ग्लैडिएटर के क्या चांसेस हैं इस दफा, अब ये होते हैं सवाल पूछने वाले। देखें, रिटेनिंग चैंपियन बैक टू बैक चैंपियनशिप जीतना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो रहा है और मेरे ख्याल में एक ब्रिलियंट टीम सिलेक्शन है कि जो सारे लड़के, एक तो लोकल टैलेंट बहुत स्टार टैलेंट है और ये पाकिस्तान में काफी इम्पैक्ट के साथ खेल सकते हैं, एबिलिटी इनमें डिफेंडिंग चैंपियनशिप की है, लेकिन मैंने एक इनकी वीकनेस देखी थी, फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ये कपल ऑफ मैचेस हारे थे 2017 में भी, 2018 में भी, इसी तरह ये जीते भी हैं, जीते तो, भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इट शैल स्टिल बी द टॉप, वन ऑफ द टॉप टू थ्री टीम्स, टॉप
थ्री में तो आएंगे, थ्री में आने के बाद फिर आपकी लक होती है कि क्वेटा ग्लेडिएटर फाइनल में आ पाएगी नहीं आ पाएगी। इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, बहुत ज़बरदस्त टीम है, खाने पूरे हैं, मतलब सिर्फ नाम से नहीं होता और इनकी जो स्पिरिट है टीम, जो बाउंडिंग डॉक्टर ने बताया ये बहुत अच्छी है, फिलोसफी टीम की इनकी अच्छी है, पहले साल से चौथे साल तक एडिशन तक टॉप टीम, ये टॉप टीम रही है, और बड़ी बड़ी टीमों के लाहौर कलंदर हो जाए, कराची हो जाए, इनको करीब भी नहीं आने देते। और राशि सबसे अच्छी बात ये कि बड़े नामों पे नहीं जाते, नहीं ये जाते हैं कट फॉर रोल, और ये जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कौन इनकी कितनी खिदमत कर सकता है। आपको याद है इन्होंने कुमार संगकारा को यूटिलाइज किया और फिर छोड़ दिया, तो कराची किंग्स ने पिक किया, फिर सुहेल तनवीर को किया, उससे पहले राहत अली को किया, फिर सुहेल तनवीर को किया, तो ये जिधर देख अनवर अली को किया, असद शफीक को किया, ये समाल अच्छा करते हैं, वो परफॉर्म करने के बाद भी टीम में अपनी जगह नहीं बरकरार रख सकता, इतनी तगड़ी है। ओवरऑल जी क्वेटा ग्लेडिएटर्स वन ऑफ द चैंपियन टीम, वेरी गुड मैनेजमेंट, बेस्ट ऑफ लक टू नदीम उमर, आजम खान, सर विवियन रिचर्ड, सर विवियन बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, नबील हाशमी एंड ऑफकोर्स मोइन खान, अब्दुल रजाक, गॉड बिहाइंड, गॉड बिहाइंड।